जैसलमेर रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को रविवारीय सत्संग का आयोजन किया गया। बाड़मेर जोन के प्रभारी संत शांतिलाल के सानिध्य में आयोजित हुए इस सत्संग में बड़ी संख्या में निरंकारी अनुयायी उपस्थित रहे। वहीं सत्संग के दौरान महिला अनुयायियों ने भजनों की भी प्रस्तुतियां दी। शहर के जैसलमेर रोड स्थित नेहरू युवा केंद्र के पास संत निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को विशाल साप्ताहिक निरंकारी सत्संग का आयोजन किया गया। निरंकारी सत्संग का आयोजन बाड़मेर के जोनल प्रभारी संत शांतिलाल के सानिध्य में हुआ। सत्संग में कवास, भीलों का पार, उत्तरलाई, बालोतरा, रामसर, पायतू, शिव, धोरीमना सहित बाड़मेर के सैकड़ों निरंकारी अनुयायी उपस्थित रहे। सत्संग में कई निरंकारी अनुयायियों ने भजन एवं विचारों से सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। सत्संग के दौरान संत शांतिलाल ने कहा कि अपने विचारों में कहा कि इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़े, कुछ भी बन लो लेकिन जिंदगी में मुबारक है पर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ तो जिंदगी सफल बन जाएगी। उन्होंने एक जीवन को सुंदर ढंग से जीने की एक कला बताई और कहा कि अपने जीवन को प्रीत, प्यार और नम्रता से बिताएं और दूसरों का भला करते जाएं। नम्रता के साथ दुनिया में जीवन जीने के लिए आज यह जरूरी है कि दुनिया का एक एक इंसान खान पान, रंग, नस्ल आदि की विभिन्नताओं को सहज भाव से स्वीकार करते प्यार और मिलन वर्तन की भावना को अपनाए। सेवा हमेशा गुरु को हुक्म से की जाती है और वह एक बंधन मुक्त है। निरंकारी मिशन द्वारा सत्संगत जी सफाई अभियान चलाए गए और आज हम सभी देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरह सत्संगत जी हॉस्पिटल साफ सुथरे हो गए। कि पहला निरंकारी मिशन का कैंप 1986 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सत्संग जी निरंकारी मिशन में वो कर्म करके सत्संग जी अभी जिस तरह जस्ते नाडी हम सत्संग जी सभी जानते हैं वो तालाब है। संत शांतिलाल ने निरंकारी अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि घर को मंदिर बनाने का अर्थ यह नहीं कि घर में माता पिता अपने पूरे परिवार के सदस्यों से प्यार एवं नम्रता को अपने जीवन में ढालते हुए जीवन जिए। हम जब पुराने मकान से नए मकान में प्रवेश करते हैं तब पुराने सामान को छोड़ नए सामान को लेते हैं। इसी प्रकार नया वर्ष भी आ रहा है जिसे हम वह नफरत को छोड़कर प्रेम का घर बनाते जाएं एवं सुखदायी जीवन जीते जाएं।